धांधार दूसरे फिंगर लगाकर इसी फिंगर पंचम तक मीन करके इसको फिर बार धांधार को लीजिए। अब मैं आपको एक डिफिकल्ट पार्टी को दे दूंगा। इसको मंत्र पंचम से आरंभ होता है। मंत्र पंचम से अति उच्च षड्ज तक ये अभ्यास जाता है। मैं इसी को अब दिखाऊंगा। दो क्रम से बजा सकते हैं। पहले क्रम में फिंगरिंग में पादा सा री का पादा सा री का स्वर बजाते हैं। ऐसी प्रकार पादासा स्वर को सेकंड फिंगर में से पा धाइवत भी सेकंड फिंगर से षड्ज भी सेकंड फिंगर से बजाते हैं। दूसरे गम रीगा के पश्चात पंचम को हम फर्स्ट फिंगर लगाते हैं, सेकंड फिंगर दाईवत को, फोर्थ फिंगर उच्च षड्ज अति उच्च षड्ज, फिर बार अति उच्च षड्ज धाइवत पंचम खानदान को सेकंड फिंगर लगाते हैं।
इसमें दो पोजीशन का प्रयोग होता है। सारे गा पर फर्स्ट पोजीशन पादा सा पर फोर्थ पोजीशन आपके फिंगरों में स्पीड बांधने के लिए इस अभ्यास कीजिए। अनेक बार आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए सेपरेट बो में और स्लो में, इसी प्रकार सेपरेट बो में। आपको एक मथुरा गीत को सिखाऊंगा। आप जानते हैं ये भोपाल का छोटे ख्याल जब से तुम जब से तुम सर लागले पीतन वेरे प्यारे बलवा मोरे जब से तुम सर लागले पहले मैं समझाऊंगा इस गीत का स्थाई को। गारे गारे सारे सार गारे गारे सारे सर सा रे गा पा बा। इस अवस्था में धानदार
पंचम से मीन कीजिए गा। पाता पा धाइवत पर उच्च षड्ज का कंसर लगाइए। गा पा गा सा पा दा सा दा दा पा गा रे पा दा सा सा दा पा पा दा सा सा दा पा। इसी स्थान में दो षड्ज है सा दा दा पा, इसको घमक कीजिए पा दा सा दा दा पा। अब मैं आपको इसी प्रबंध का अंतरे को